काजोल बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेसेस के रूप में मानी जाती हैं जो अपनी पसंद और मन के मुताबिक फिल्मों में काम करती है। जी हाँ, साथ ही काजोल को दूसरों की ओपिनियन उनकी राय से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, साथ ही वो उनकी राय को लेकर कोई भी परवाह नहीं करती हैं। बता दें, पिछले साल वह हेलीकॉप्टर इला में नजर आई थी। अब वे अपनी रिलीज होने वाली फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर की तैयारी में बिजी हैं। बता दें, फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में काजोल ने कहा कि अब जब भी वह फिल्मों में काम करती हैं, उन्हें उनके कमबैक के रूप में देखा जाता है। साथ ही उन्हें लगता है कि ये उनका 105वां कमबैक है। बता दें, इस इंटरव्यू में काजोल ने डायरेक्टर करण जौहर के साथ अपने विवाद पर भी बात करते हुए कहा कि वह इसे लेकर डरावना जैसे महसूस करती है और इस पे बात ना करना ही सही समझती है। काजोल कहती है कि वो एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि अब सॉल्व हो चुकी है, तो उस पर बात करके मैं अपना समय नहीं वेस्ट करना चाहूंगी। बता दें, काजोल और करण की दोस्ती एक वक्त पर टूटने के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन अब उन्होंने अपने विवाद को सुलझा लिया है। जी हां, दोनों ने अपनी सूझबूझ के चलते इस लड़ाई को खत्म कर एक साथ आगे आए हैं। काजोल ने कहा कि वह करण को ज्यादा मिल नहीं पाती, ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती, क्योंकि करण ज्यादातर ट्रेवल करते रहते हैं। फिल्म की शूटिंग को लेकर करण हमेशा आउट ऑफ द टाउन रहते हैं। साथ ही काजोल ने कहा कि मैं भी अक्सर फिल्मों के चक्कर में बाहर रहती हूँ, बिजी रहती हूँ, इसलिए हम कम मिल पाते हैं, लेकिन हम जब भी मिलते हैं तो हम बड़े अच्छे से मिलते हैं। हमारा बॉन्ड पहले जितना ही स्पेशल है। जी हाँ, काजोल ने कहा कि उन्हें उनके दौर के सितारे काफी पसंद है। उन्हें उनके करियर के फिल्म उनकी किस्मत की चाबी कहें एक तरह से याद आती हैं। जी हाँ, काजोल के करियर में कई ऐसे फिल्में रही जिन्होंने काजोल का नाम ही बदल दिया। मामूली सी काजोल आज एक बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड है, बड़ा सितारा है। काजोल कहती हैं, मैं ज्यादा मैसेज और चैटिंग नहीं करती हूँ, लेकिन करिश्मा, रवीना, अक्षय, आमिर, सैफ जैसे सितारों से जब भी मुलाकात होती है तो मैं हमेशा अच्छी यादें अपने साथ रखती हूँ। उनसे मिलकर मुझे काफी पॉजिटिव वाइब्स आती है, काफी अच्छा लगता है। हम सभी एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं, समझते हैं और उसे हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। आगे काजोल ने कहा कि हम लोग चाल एक दूसरे का पूछते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। उन्हें मेरे लिए भी यही फीलिंग है और मेरे को भी उनके लिए काफी अच्छा कंसर्न है। हम भले सोशल मीडिया पर बात ना करते हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं। हमारी दोस्ती, हमारा बॉन्ड आज भी उतना ही स्पेशल है जितना कि हमारी फिल्मों के दौर में हुआ करता था। और हमें जब भी टाइम मिलता है, हम एक दूसरे के साथ जरूर मिलते हैं, हैंग आउट करते हैं। Next to 9 Live Deck से इंदु की रिपोर्ट।